हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके इजी फार्मेसी। हमने पिछली वीडियो में डिफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डी फार्मा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियां आप तक पहुंचती रहें और ऐसे ही हम इजी नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी का इतिहास कैसा था आज के 1000 साल पुराना या 500 साल पुराना कैसा था, उसके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी शो या रिप्रेजेंट, शो मतलब प्रदर्शित करता है, द हिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब फार्माकोग्नोसी का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ क्रूड ड्रग मतलब पुरानी दवाओं के इतिहास को शो करता है या प्रदर्शित करता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इन द एशियन सिविलाइजेशन मतलब पुरानी सभ्यता, वही है आज के 1500 साल पुराना इतिहास। इन द एशियन सिविलाइजेशन पुरानी सभ्यता में द एशियन पर्सन वेंट टू फॉरेस्ट, एशियन पर्सन क्या करते थे, फॉरेस्ट जाते थे एंड एट टू पार्ट्स ऑफ प्लांट, और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को खाते थे, मतलब पौधे के पार्ट्स को खाते थे, जैसे लीव्स हो गया, ये सारी चीज़ें, सच एज लीव्स मतलब पत्ती, फ्रूट्स मतलब फल एंड फ्लावर्स मतलब फूल, और अप्लाई ऑन द स्किन, और अपनी स्किन्स पर अप्लाई करते थे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, मतलब अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए वो क्या करते थे, अपने स्किन पर अप्लाई भी करते थे। सम ड्रग आर कॉज द हार्मफुल इफेक्ट, कुछ दवाइयाँ क्या करती थी, हार्मफुल इफेक्ट देती थी। एंड सम ड्रग्स आर प्रोड्यूस द गुड थेरापेटिक एक्सेट, और कुछ दवाइयाँ जो है वो बेहतरीन एक्शन देती थी। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लीजिए। इफ़ पार्ट ऑफ प्लांट्स सच एज लीव्स कॉज द वोमिटिंग, अगर कोई पौधे का पार्ट सच एज लीव्स मतलब लीव्स कॉज द वोमिटिंग, अगर वोमिटिंग कॉज करती थी मतलब उल्टी कर देती थी, इट इज़ यूज्ड, उसको यूज़ करते थे एज अ एंटी वोमिटिंग एजेंट, मतलब उसको एक हिसाब से एंटी वोमिटिंग ड्रग्स यूज़ कर लेते थे। इफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यदि पौधे का पार्ट्स सच एज अ लीव्स बर्क्स फूड एंड रूट्स, लीव्स पत्ती, बर्क्स मतलब छाल, और फ्रूट्स मतलब फल एंड रूट्स मतलब जड़, आर शो द गुड थेरापेटिक एक्शन, मतलब अगर उसका कोई भी पार्ट्स जो है वो गुड एक्शन देता था, इट इज़ यूज एज अ मेडिसिनल प्लांट, उसको एज अ मेडिसिनल प्लांट्स की तरह हम लोग यूज़ कर लेते थे। एग्जाम्पल जैसे आपका है नीम, क्या है हमारी एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट है। फिर आपका है राउल्फिया आपकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये चूँकि राइजोम से ली जाती है, तो ये आपकी राउल्फिया क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, तो ये एज अ एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ हो जाती है, मतलब जो टेंशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो इस ये है। फिर दस देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार देयर आर मेनी प्लांट्स मतलब कई सारे पौधे यूज इन द एशियन सिविलाइजेशन मानी पुरानी सभ्यता में यूज़ किए जाते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारी को ठीक करने के लिए। ईजी वे है, आराम से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगे। दस इस प्रकार देयर आर मेनी प्लांट्स कई सारे पौधे यूज्ड इन द एशियन सिविलाइजेशन पुरानी सभ्यता में यूज़ किए जाते थे या उपयोग किए जाते थे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ईजी वे में है, थोड़ा सा समझिएगा। चलिए सेवन्थ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पास सेवन्थ पॉइंट है। इन द एशियन सिविलाइजेशन
पुरानी सभ्यता में देयर आर मेनी साइंटिस्ट, काफ़ी सारे साइंटिस्ट डिस्कवर द प्लांट ड्रग्स, प्लांट ड्रग की खोज की थी, एनिमल ड्रग की खोज की थी और मिनरल दवाओं की खोज की थी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज, मतलब कई सारे सोर्सेज से उन्होंने कई प्रकार की प्लांट ड्रग, एनिमल ड्रग और मिनरल ड्रग की खोज की थी। सच एज प्लांट सोर्स एनिमल्स, मतलब ये सारे सोर्स थे जिनसे प्लांट ड्रग और एनिमल ड्रग और काफ़ी सारी दवाओं की खोज की थी। जैसे क्या कौन से हैं, ये आपके स्लेडर, चारक, जेलन, पोकैरेट, एरिस्टोटली और थियोपेरेटस, ये सारे हैं। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है, तो आप कम से मिनिमम तो 5 याद कर लीजिए तो ज़्यादा सही है। जैसे आप फादर ऑफ मेडिसिन, तो आपके वो हिप्पोकैरेटस हैं, तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्लेडर की। तो ही वॉज अ फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। ही वॉज कॉइंड द फार्माकोग्नोसी वर्ड इन 1850, इन्होंने क्या किया था, फार्माकोग्नोसी के शब्द को बनाया था या गढ़ा था इन 1815 में। ही वॉज जर्मन साइंटिस्ट, ये क्या थे, आपके जर्मन साइंटिस्ट थे। ही रोड द बुक एनालिटिका फार्मको जेनेस्टिका, इन्होंने एक बुक लिखी थी एनालिटिका फार्मको PHARMCOGNOSTICA फार्मको जेनेस्टिका, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी। फिर हमारे आते हैं दूसरे चारक, ठीक है। तो चारक वॉज इंडियन फिजिशियन, ये हमारे इंडियन फिजिशियन थे। ही रोड द चारक समिता बुक, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसमें 588 दवाएँ थी। ही वॉज ऑब्टेन्ड द ड्रग, मतलब इन्होंने ड्रग को प्राप्त किया था फ्रॉम प्लांट सोर्स एंड मिनरल सोर्स से, इन्होंने ये दवाएँ प्राप्त की थी। ही वॉज द नॉलेज ऑफ 70 ड्रग, इनको 700 ड्रग का नॉलेज था। तो ये आपके हैं चारक। फिर आपके हैं तीसरे गैलन। ही वॉज ग्रीक फिजिशियन, ये ग्रीक फिजिशियन से। ही वॉज ऑप्टेन द ड्रग फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन मेथड, इन्होंने क्या किया था कि ड्रग के एक्सट्रैक्शन मेथड से ड्रग को ऑप्टेन करते थे। एक्सट्रैक्शन मेथड क्या है, जैसे एग्जांपल यहाँ दिखाया हुआ है राउल्फिया रसरपीन एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि इन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड से रसरपीन निकाला था। राउल्फिया एक रूट होती है और रूट से इन्होंने, भाई पूरी रूट तो यूज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्शन मेथड करेंगे और उससे हमारा ये मेन जो केमिकल है ये वर्क करता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, राउल्फिया का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, मतलब जूस बनाते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा और फिर उसको ड्राइड होने के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो फिर जो होता है वो रसरपीन एक केमिकल्स मिलता है। तो इस प्रकार इन्होंने एक्सट्रैक्शन मेथड से रसरपीन, राउल्फिया से रसरपीन मतलब केमिकल्स निकाला था, ठीक है। चौथे की बात कर लें तो अरिस्टोटले हैं। ही वॉज फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज अ स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम, इनको क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स किंगडम कहा जाता है। ही वॉज ग्रीक फिलोसोफर, इनको बोला जाता है, ये ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। तो ये हैं अरिस्टोटले। थियोपेरेटस, ही वॉज ऑल्सो नोन एज स्टडी ऑफ प्लांट्स किंगडम ड्रग, मतलब इनको कहा जाता है स्टडी ऑफ प्लांट्स किंगडम, मतलब इनको प्लांट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ही वॉज ग्रीक फिजिशियन, ये ग्रीक फिजिशियन थे। तो ये और भी काफ़ी सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से जो सूटेबल लगे, जैसे आपके हैं हिप्पोकैरेटस, तो ये आपके फादर ऑफ मेडिसिंस हैं, इनको फादर ऑफ मेडिसिंस कहा जाता है। तो इनके लाइन में जैसे आपके हैं हिप्पोकैरेटस, तो ही वॉज ग्रीक फिजिशियन, मतलब ये ग्रीक फिजिशियन है।
ही इज मतलब ही इज नोन एज अ फादर ऑफ मेडिसिन, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप तीन चार और लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैंने 5 पॉइंट इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, तो इसलिए। चलिए, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच, और इजी वे में आप 2 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया था आपको, ही वॉज फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो एक एक लाइन का मैंने हिंदी वर्ड्स बता दिए, इसलिए आप 2 बार रिपीट करिए और 3री बार अपनी कॉपी में लिखिए, इजी वे में याद हो जाएगा। और परेशान बिल्कुल भी मत रहिए, और डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो रही हो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।